अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सब लोगों के लिए कलर, हेयर कलर जो कि ईद पर जो है आप करके आप अपनी लुक बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये विदाउट कट डाउन विदाउट एनी साइड इफेक्ट जो है वो कलर किया गया। ये कलर अगर आप बालों पर करेंगे तो किसी किस्म के भी आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। और इनके लिए हमने किस तरह से किया, कौन सा कलर यूज़ किया और क्या मेथड किया, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है। और ये कोई टीवी में करेक्टर आ रहा है, उनके बालों को देख कर आई थी और साथ पिक्चर भी लाई थी कि ये वाला कलर जो है वो मेरे बालों पर करें। तो ये इनके बालों पर किया गया। इनके बाल जेट ब्लैक थे और इन पर हमने यूज़ किया। ये कट डाउन में नहीं जाना चाहती थी तो हमने यूज़ किया 12.1 और उसके 40 वॉल्यूम के साथ। 12.1 और 40 वॉल्यूम के साथ हमारी 12 की जो सीरियल है ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है। अगर ऐसे 6 to 7 लेवल पे यूज़ करें तो बिल्कुल ऐश ग्रीन कलर डायरेक्ट में आ जाता है। इसमें 12.12 है, 12.1 है, 12.13 है, 12.11 भी है। 3-4 इसमें शेड है। अल्ट्रा ब्लॉन्ड कलर्स हैं ये हमारे, और इसे हम 40 वॉल्यूम के साथ यूज़ करेंगे। और इसमें BCV भी डालें तो और जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 12-40 वॉल्यूम है। इसे हमने 1:2 की रेशो रखनी, यानी एक हिस्सा अगर आपने रखना है कलर का तो 2 हिस्से आपने इसमें डालना है वॉल्यूम इसको। और बालों के अकॉर्डिंग टू बाल हेयर टेक्सचर आपने इसका इंतखाब करना है। मैं पहले बता रही हूँ कि जो जिस जिन बालों पे हमने करना है वो नंबर उनका लेवल 3 to 4 था, बहुत ब्लैक बाल थे उनके। इन पर हमने करना था, उन्हें इस कलर में लाना था और वो कट डाउन भी नहीं जा रही थी। और हमने कलर से किया ताकि उनके बाल डैमेज ना हो। लेकिन अगर आप पहले ये वाला टेक्सचर ना हो तो आप बालों को देखिए, इनके लाइट से ग्रे हेयर्स भी थे, उसे भी साथ कवरेज मिल गई थी। तो अगर आपने ये करना हो कि किसी के बाल 20 वॉल्यूम के साथ पहले आप 5 to 6 कर लें, यानी कि थोड़ा सा लेवल डाउन कर लें, और उसके बाद अगर आप लगाएं तो फिर आपको ऐश ग्रीन रिजल्ट भी इसमें से मिल सकता है। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन से कलर है, रूट्स छोड़कर ये आपने लगाना है। और रूट्स भी कम से कम 1.5 इंच आपने छोड़ना है, 1.5 इंच आपने रूट्स छोड़कर इसकी एप्लीकेशन की। 1:1:2 की रेशियो, यानी एक हिस्सा कलर और 2 हिस्से इसमें मैंने वॉल्यूम डाला है। और ये देखें जी, अप्लाई कर रही हैं, जो हमारे हेयर को डील करती हैं वो अप्लाई कर रही हैं। मैं ख़ुद भी अप्लाई करती होती हूँ और साथ मेरे पूरा स्टाफ होता है वो भी अप्लाई करता है। यह बहुत ही अच्छा सा जो कलर है वो आपके बालों पर आ जाएगा। और ईद के दिनों में वैसे भी अगर आप स्ट्रीक्स वगैरह कराना चाहते हैं तो आप, हमारी 12 की सीरियल है, एक स्पेशल ब्लॉन्ड की सीरियल है और एक अल्ट्रा ब्लॉन्ड, ये दोनों जो हैं इनके साथ आपको क्लियर कलर मिलेगा। और BC एंड क्लियर ये तीनों ट्यूब्स तो आपके पॉलर में मस्ट होनी चाहिए। आप लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम नैप एरिया से हमने स्टार्ट किया है। नैप एरिया से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि बैक साइड जो होती है वो थोड़ी बाल स्ट्रांग भी होता है और कूल भी होता है, इसलिए कि क्राउन एरिया और फ्रंट जो है वो थोड़ा सा हॉट होता है तो उस पर जल्दी रिज़ल्ट आ जाता है। इनका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया था। और ये देखिए, इनके काफ़ी लंबे बाल भी हैं। इनका सारा हमने बैक साइड पे जब कर लिया तो बारी आ गई है फ्रंट की। फ्रंट पे भी हमने इसी तरह से रूट्स में से छोड़कर, आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा ब्लैक बाल हैं। और अगर हम इसमें चाहते हैं कि ये बिल्कुल ऐश में चले जाएं, हम इसकी स्ट्रीक्स कर रहे होते तो फिर हम इसमें BC कलर या BCV ब्लीच क्रीम वायलेट और BC ब्लीच क्रीम, ये क्रीम की सूरत में ब्लीच की एक वो ट्यूब होती है, उसको आप डालकर डायरेक्ट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। और इससे बाल बिल्कुल डैमेज नहीं होते, जैसा कि क्लाइंट्स अक्सर डरते हैं कि ब्लॉन्डर के साथ हमारे बाल, ब्लीचिंग के साथ हमारे बाल जो है ख़राब हो जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा इस तरीके से करें, तो हमने इसी तरीके से इन बालों को किया है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मेरी मेकअप की वीडियो आने वाली है, इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के बाद मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये वो वीडियो जो कि वो लोग जो मेरे पे चैनल पे न्यू हैं, अगर वो न्यू से न्यू चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलें। और स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर पर 0323050561 पर कॉल करके, रमज़ान में हमारे ऑफिस टाइमिंग जो है वो 10 से लेकर 3 बजे तक है, आप अपना सामान बुक करवा सकते हैं। जो भी ये चीज़ें आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है या स्किन की कोई सामान है या हेयर का है या मेकअप है, तमाम इस नंबर पे कॉल करके आपको सामान मिल सकता है। और इसके अलावा ये इसको इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी तो कोई इंफॉर्मेशन चाहिए एडमिशन के बारे में या वैसे तो वो भी आप ले सकते हैं।
आपको पता है कि कोरोना है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे काम जैसे आप फर्ज़ करें कि थ्रेडिंग वगैरह है तो मैं कहूँगी कि आप लोग भी थोड़ा अवॉइड करें, इसलिए मास्क लगा के नहीं हो सकता, लेकिन हेयर कलरिंग है या फेशियल है वो मास्क लगा के आप कर सकते हैं, तो वो आप ज़रूर क्लाइंट को अटेंड करें। ये देखें जब तकरीबन 30 मिनट्स गुजरे थे तो ये इस पोजिशन में हमारे बालों पर लेंथ पे कलर आ चुका था, ये देखें। मज़ीद हमने 10 मिनट्स और वेट किए, जब 30 मिनट हुए तो फिर हमने इनका वो, क्योंकि जब आप मिक्स करके 40 वाली में मिक्स करके रख देते हैं तो वो 30 में चेंज हो जाता है, जिन जो जो टाइम गुजरता है उसकी प्रोसेसिंग टाइम होती है, और अगर आपका सारा ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए लगाते लगाते, तो फिर आप दोबारा मिक्स करें तो आप उसको 30 में करें, ताकि वो, इसलिए कि रूट्स पर 40 ना ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। अभी हम इनके रूट्स पे करेंगे, जगह जगह से हम चेक कर रहे हैं, साथ साथ आपने एमल्सीफाई भी करते रहना है, यानी कि मिक्स करते रहना है, ताकि बालों को कहीं पर भी जो है वो कोई पैच वगैरह ना बने, और आप देखिएगा एक पैच भी इसमें नहीं बनेगा। और ये अब हम इनके रूट्स पर लगाने लगे हैं, इनके रूट्स पर जो है वही कलर जो हमारे पास था वो हमने ज़्यादा मिकदार में मिक्स कर लिया था, और क्वांटिटी उसकी कुछ बच गई है जिसे हम रूट्स पर अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए जी, इस तरीके से आपने रूट्स पर कर लेना है। और वैसे अच्छी बात यह है कि जैसे ये कलर है इसकी रेसिपी लिखें, और साथ आप एक छोटे छोटे फ्लिक्स इन दिनों में ईद के दिनों में जो आप हेयर कटिंग करेंगे वो बाल रख लें, एक पोनी लगाकर, उसके बाद ईद के बाद, ईद के दिनों में या ईद के बाद जब आप फ्री हों, या रमज़ान शरीफ में अगर आप फ्री हैं तो ये आप कलर्स मंगवा लें, क्योंकि कलर्स बहुत देर तक ख़राब नहीं होते, कोई मसला नहीं होता। आप इस तरह के कलर्स को करके तो आप जो है वो अपने पास एक नई से नई चीज़, इसलिए कि जब तक ये आप अपने हाथों से नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा, तो आप अपने क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं। ये देखें जी, इस तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। हमने सारे बालों पर इनको लगा लेंगे। थोड़ी सी स्पीड इसलिए फ़ास्ट की थी इसलिए कि सिर्फ अब सिंपल एप्लीकेशन थी, मैंने सोचा मैं साथ साथ डिस्क्राइब करती रहूँगी, मैं दोबारा से बताते रहूँ वो लोग जिन्होंने अभी वीडियो देखनी स्टार्ट की है। तो हमारे ये जो हेयर्स हैं इन पर हम अप्लाई कर रहे हैं 12.1 40 वॉल्यूम के साथ, इनके बालों का लेवल 3-4 था, यानी कि ब्लैक एंड ब्राउन था, और इसको हमने लेकर जाना है तकरीबन, इन्होंने मांगा कि हमें 8 लेवल तक का बाल चाहिए, और बड़े खूबसूरत सी टोन जो लेकर आई थी पिक्चर, सेम हमने बिल्कुल वैसा ही करना था। और अगर पहले से ही इनका 7 लेवल होता या 6 होता तो हम डायरेक्ट एप्लीकेशन 12.240 के साथ करते तो ऐश ग्रीन हमारी जो स्ट्रीक्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो हो जाती, या फिर आप अगर आमरे कर रहे होते तो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। ये हमारी दो सीरियल्स हैं, 1 और 2 की रोशो है, जितना हमने यानी फर्ज करें अगर हमने 50 ml कलर डाला है तो हमने इसमें वॉल्यूम 100 ml डाला है। और वो लोग जिनको इस तरह से समझ नहीं आती तो उनको मैं बता दूँ कि फ़र्ज करें 1 स्कूप आपने कलर डाला है तो 2 स्कूप आप इसमें डालेंगे वॉल्यूम, और 30 यूज़ करना है या आपने 40 वॉल्यूम यूज़ करना है, ये अकॉर्डिंग टू टेक्स्चर और अकॉर्डिंग टू टोन, कि इसकी टोन क्या है बालों की, अगर बाल ब्राउन में आ रहा तो आप देखो थोड़ा कम वॉल्यूम यूज़ करना है, और अगर आपका बाल ब्लैक में हमारी तरह आ रहा तो फिर आपको थोड़ा सा हाई वॉल्यूम यूज़ करना पड़ेगा। हमने सारे बालों पर एप्लीकेशन कर दी और साथ साथ इनको देखते रहे, साथ साथ एमल्सीफाई करते रहे, उसके बाद हमने इनके बालों को वॉश किया और अपना वो गोल्डन मास्क हमने लगाया जो कि हमारे काफ़ी अरसे के बाद जो है वो रीस्टॉक हुआ है, और साइनोस का शैम्पू और कंडीशनर भी हमारे पास आ चुका है जिसका रिजल्ट 100% अगर आपके डैमेज बाल हैं तो पहली सिटिंग में ही ठीक हो जाते हैं। और आज जो हमने यूज़ किया इन पर ये प्रोटीन शैम्पू जिसकी पैकिंग बहुत बढ़िया है, और अगर आप सिंगल आदमी कुछ यूज़ कर रहे हो तो कम से कम भी 10 months या 1 year तक उसका चल जाता है। उसके बाद अपने 1 to 10 स्प्रे कर लेना है, इसलिए कि कोई भी केमिकल प्रोसेस करने से पहले करने के बाद दोनों दफ़ा आपने 1 to 10 ज़रूर यूज़ करना है। 1 to 10 एक ऐसा स्प्रे है जो कि बालों को बहुत ही खूबसूरत कर देता है। और ये देखिए जी, बालों पर हमने ड्राई किया, ड्राई करने के बाद हमने कर्ल्स किए। जब बाल वेट होते हैं तो ऐसे लगता है थोड़ा सा जैसे पैच होगा, लेकिन आप ड्राई होने के बाद देखें इनका कंप्लीट रिजल्ट, बहुत ही खूबसूरत इनके बाल हो गए थे। हमारी क्लाइंट इतनी हैप्पी थी कि मुझे घर से जाकर फिर दोबारा से कॉल शुक्रिया की और मैसेजेस किए कि आपने तो मेरी ईद बहुत अच्छी कर दी ये वाला कलर करके। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा ये लगा कलर। और 12 की सीरियल हमारी जो है स्पेशल ब्लॉन्ड की और अल्ट्रा ब्लॉन्ड की, ये ज़रूर अपने सैलून में रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।